आज शाम मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। गृह वित्त रक्षा विदेश मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, शिक्षा संस्कृति मंत्रालय भी बीजेपी के पास रहेगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट पद संभव है। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि आज कैबिनेट की रूपरेखा किस तरीके की होगी। सबसे पहले, जैसा हमने आपको बताया है कि गृह विभाग की बात करें, वित्त विभाग की बात करें और रक्षा मंत्रालय की बात करें, तो ये मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखने वाली है। वहीं शिक्षा संस्कृति मंत्रालय भी बीजेपी के पास रहेंगे। ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी है जो आपको बता रहे हैं। वहीं सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट पद संभव है। तो बड़ी खबर है, शाम 7:30 बजे नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण उनका होना है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तय है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान भी बन सकते हैं मंत्री, जो खबर आ रही है। मनोहर लाल खट्टर बन सकते हैं मंत्री। बसवराज बुमई, सर्बानंद सोनोवाल बन सकते हैं मंत्री। ये वो नाम है जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इनमें से कुछ वो नाम है जो कि मंत्रिमंडल में नए चेहरे के तौर पर शामिल होंगे। इसमें चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, जो विदिशा से आए हैं एक बड़ी जीत के साथ, या फिर अगर बात करें मनोहर लाल खट्टर की, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। और क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि कई बड़े जो मंत्री हैं जो पिछली सरकार में थे, उनको रिपीट किया जा सकता है। और इसमें जो नाम है वो गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, एक बार फिर से इनका मंत्री बनना तय है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है।